उत्तर प्रदेश पुलिस मेरिट भर्ती 2015-16 में रिक्त रह गए सीटों के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे पॉइंट से छटे हुए सभी भाई और बहनों को जय। मित्रों, दिनांक 6 जनवरी 2020 को अपना डेट लगा है, ये आप लोगों को पता भी होगा और अवगत करा दिया गया था कल ही। अपना केस रीट संख्या 26813/2018, कोर्ट नंबर 36, सीरियल नंबर अनलिस्टेड में 5 नंबर पे था। हम लोग के जो जज हैं जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी, जो एक बेहतरीन जजों में से एक माने जाते हैं, खासकर अभ्यर्थियों के पक्ष में ही रहते हैं और हम लोगों के लिए तो भगवान स्वरूप। मित्रों, अनलिस्टेड का सुनवाई 12 बजे से होना था, हम लोगों का नंबर लगभग 12:15 बजे आया, 12:15 बजे से स्टार्ट हुआ वहां और 1 बजे तक लगभग चलता रहा। शनिवार को ही हेडक्वार्टर के द्वारा सरकारी अधिवक्ता को हल्फनामा दे दिया गया था, इंट्रैक्शन आईजी स्थापना की तरफ से। ये हम लोग पहले से ही पता कर चुके थे, लेकिन हर एक बात आईडियो के माध्यम से अवगत कराना ठीक नहीं रहता। सोमवार को भर्ती बोर्ड के द्वारा इंट्रैक्शन भेजा गया और दोनों तरफ से इंट्रैक्शन आने के बाद लगभग 12:15 बजे बहस चालू हुआ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा, जो भर्ती बोर्ड के और हेडक्वार्टर के हायर किए गए अधिवक्ता हैं सरकारी, उनके द्वारा। सबसे पहले उनका जो फोकस था वो नियमावली पे था, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बचने का उद्देश्य था, उसी से वो बचे सकते थे, लेकिन उसमें भी वो कई गलतियां कर चुके हैं, इसलिए उनके बचने का कोई रास्ता अब बचा। वो अपने ही जाल में फंसते गए, जैसे नियमावली पे चलते गए। अब आपने देखा होगा कि पेपर में छपा हुआ है कि मेरिट गिराने का जिक्र हुआ, तो किस बात पे जिक्र हुआ ये बात पेपर वाले नहीं समझे, उनको तो सिर्फ छापने से मतलब रहता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, बात चला नियमावली की कि जो भी वैकेंसी मेडिकल एब्सेंट अनफिट के द्वारा या फर्जी मार्कशीट के द्वारा वो वैकेंसी बचे हैं तो अग्रतर चयन के लिए ले जाए जाएंगे, मतलब कैरियर फॉरवर्ड नेट सिलेक्शन। उसके बाद इस पे काफी बहस चला, कमान संभाले हमारे सीमान सिंह जी, क्योंकि उनको सारी बातें अवगत करा दिया गया था, इंट्रैक्शन में क्या आया है क्या नहीं आया है। पहले से ही हम लोग अनुप त्रिवेदी जी और सीमान सिंह जी को सारी बातें अवगत करा दिए थे। जैसे कमान संभाले उन्होंने कहा, क्योंकि उनका एक कड़ी और था कमजोर, क्योंकि जब अभिलेखों का सत्यापन हो रहा था तो उस समय नियमावली में उन्होंने लिखा है कि फर्दर एक्शन न्यू सिलेक्शन। फर्दर एक्शन का मतलब होता है कि उसी अभ्यर्थियों में से चयन किया जाएगा और सीटें जो बचेंगे उसी अभ्यर्थियों में से चयन किया जाएगा। और जब मेडिकल में और अंक तालिका का सत्यापन के समय उन्होंने लिखा है कि कैरी फॉरवर्ड न्यू सिलेक्शन, कि हम आगे वैकेंसी अग्रतर चयन के लिए ले जाएंगे, तो दोनों शब्द अलग अलग हैं। एक ही कंडीशन में दो शब्दों का प्रयोग करना यह अनुचित है, पहली गलती ये थी। और ये बात हम आप लोगों को बहुत पहले बता चुके हैं कि हम लोगों को बचने का जो कड़ी है, क्योंकि पहले से ही खोज रखे हैं हम लोग। दूसरा, नियमावली पे बचने का कड़ी जो था, जब जज साहब के सामने उन्होंने कहा कि हमारे पास सीटें नहीं खाली है और 1366 सीटें खाली था 1380 महिला का, वो हम भर लिए। जैसे वो विज्ञापन इन्होंने द्वारा दिखाया गया तो हम आपको बता ही चुके थे बहुत पहले, उसमें लिखा था कि 1063 अभ्यर्थियों का चयन 1366 में हुआ। वैसे तुरंत देख लिए जज साहब, उन्होंने कहा कि 1366 में तो 300 वैकेंसी खाली है और तो बात ही छोड़ दीजिए, 33,373 में क्या है क्या नहीं है वो तो अलग की चीज है, लेकिन 1366 में आप 300 वैकेंसी आपके सामने लिखा है, आपके एडवर्टाइज में जो विज्ञापन आपने जो प्रसिद्ध किया है उसमें लिखा है।
पहली चीज दिमाग में वहीं से जो केस था हम लोगों की तरफ आ रहा था, सरकारी अधिवक्ता वहां से बीच पढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने एक पॉइंट और नस कम जोड़ लिया, क्योंकि नियमावली में बेटिंग का प्रावधान नहीं है, बेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। जो तो बेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं, ये हमारे अधिवक्ता के द्वारा कहा गया, बेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो फिर 1366 का कटाप आपने क्यों गिराया? ये बात पेपर वाले ना समझ के वहाँ कटाप की बात कह रहे हैं कि कटाप गिराया गया, ये बात हुआ। लेकिन असलियत में ये था कि जब तो बेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो फिर 1366 का आपने मेरिट क्यों गिराया, क्यों बेटिंग में रखा? आपका जो भी है कि मेरिट एक ही बार में डिक्लेयर किया जाएगा, बेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। रूल 2015 नियमावली में आपने पहली बार तो नियम से कार्य किया नहीं, बेटिंग का प्रावधान रख दिया गया। उसके बाद 151 अभ्यर्थियों का कोर्ट के डिसीजन के बाद आपने लिया, आपके मेरिट में 396 अभी भी कटाप है जो आपने डाला है, लेकिन असलियत में 395.97 तक के अभ्यर्थियों ओबीसी का आपने सिलेक्शन किया है। ये बेटिंग लिस्ट का प्रावधान कहां से आ गया? आपने नियमावली का प्रयोग किया कहां, दुरुपयोग किया है, तो फिर आप नियम से कार्य कर ही नहीं सकते हैं। वहां से केस अपने तरफ आ गया। और ये बात सारी बातें हम सीमान सिंह को और अनुप त्रिवेदी जी को बता दिए थे, क्योंकि ये नियम से चैलेंज है, जो हमारी कमजोर कड़ी थी उस पे हम लोग कार्य किए, क्योंकि जो हमें बचने का रास्ता था उस पे हम लोग कार्य किए। हम अपने वकीलों को खोज खोज के बताते रहे कि आप इस बात को रखो, क्योंकि वकील आपके केस को नहीं जानता है, ये लीडर का जो नेतृत्व करता है उसका कार्य होता है कि बचने का रास्ता अपने अधिवक्ता को बताए। हम खरे साहब को तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील हैं, ठीक है, उनसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जो हायर किए हैं जिनसे बात कर सकते हैं उनको तो बात बता सकते हैं, वो खरे साहब को बता सकते हैं बचने का रास्ता ये हुआ। नियमावली का उनका कार्य खत्म कर दिया मैंने, 2-3 पॉइंट रख के, और यशवंत वर्मा जी का जो ऑर्डर था इससे वो नर्वस हो गए। अब वो आए कि वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड का नियम है, मैंने कर दिया। हाँ, तब फिर मैंने ये भी बात मैंने बता दिया था कि जब मेरा 2018 में क्या 2019 में 1366 का फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट घोषित किया भर्ती बोर्ड, उसके पहले 2018 का दोनों विज्ञापन आ चुका था। जब तो दोनों विज्ञापन आ चुका था और हमारा वैकेंसी पेंडिंग में था, तो वैकेंसी आपने तीसरी वैकेंसी तो आया नहीं, तो फिर वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड कहां हुआ? अब ये तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, आराम से सुनते रहे, क्योंकि शुरू में बहुत उछले और इनके नियमावली पे बहुत उछले, तो इनका नियमावली को भी ध्वस्त कर दिया गया और इनके जो कैरी फॉरवर्ड नियम है हम करेंगे इनको भी ध्वस्त कर दिया गया। दोनों कार्य इनका खत्म कर दिया और दोनों कार्यों पे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग अध्ययन करके अपने अधिवक्ता को बताए थे। 2-3 दिन तक इस पे प्रयास, क्योंकि आपके लिए हर एक डेट नॉर्मल होता है मित्रों, आप जानते हो ये हाई कोर्ट है, एक दिन में केस डिसमिस होता है और एक दिन में ऑर्डर किया जाता है। ये मत समझिएगा जीतना और लड़ना दोनों शब्द अलग अलग होता है। लड़ना तो कोई भी लड़ सकता है मित्रों, लेकिन लड़के जीतना भर्ती बोर्ड से आसान नहीं होता है। ये हाल 2013 भाइयों से पूछिएगा, 2011 एसआई भाइयों से पूछिएगा जो लड़के जीते हैं। अभी देखो 2016 एसआई का पक्ष में गया, अभ्यर्थियों के पक्ष में गया निर्णय, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, राज्य सरकार। तो ये जब तक इनको एकदम नहीं खत्म कर दोगे तब तक ये हार नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है और ये सरकार भी इनके पक्ष में रहता है भर्ती बोर्ड के। इसलिए इनसे लड़ना, मजबूती से लड़ना, तभी हम आपको जीत मिलेगा मित्रों। या तो आज हम जरा सा भी लापरवाही केस में किए होते तो कब का ये केस डिसमिस होके चला गया होता और आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते तो भी आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जब तक सीट डिक्लेयर नहीं होगा भर्ती बोर्ड ये बात कबूलेगा नहीं कि इतने सीटें हैं, तब तक आप कहीं भी चले जाओ कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब तो सीट क्लियर हो गया तो आप अपने जज साहब से जैसे कहें वो अलाउ कर देंगे,
और रही बात हमारी, शुरू से आखिरी तक सिर्फ याचियों के पक्ष में निर्णय आए, इस पे लड़ाई चल रहा है। हम और आप पैसा खर्च किए हैं, अधिवक्ता को पैसा दिए हैं, पानी की तरह पैसा न्यायालय में बहाया जा रहा है, तो सिर्फ याचियों के भाइयों और बहनों के लिए, ना कि जो घर बैठे हैं, ना हम उनको जानते हैं ना पहचानते हैं, हम उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इस बात को आपको जानना चाहिए, लेकिन आप संयम खो देते हो, ये गलत बात है। आप संयम रखो, पेपर का कार्य है उनका, कुछ ना कुछ तो छाप ही देते हैं। रहता है मामला कुछ, 1366 का मामला था, उन्होंने छाप दिया कि मेरिट डाउन करने की बात होती है, इसका बात ही नहीं चला। हमारे जो जस्ट सीनियर एडवोकेट अनुज त्रिवेदी जी के द्वारा ये कहा गया कि ये फ्रॉड का काम कर रहे हैं भर्ती बोर्ड, अभी तक न्यायालय से जो सच्चाई था इन्होंने बताया ही नहीं है। गलत गलत चीजें बता रहे हैं, तो फ्रॉड का कार्य कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सरकार को, गुमराह कर रहे हैं जज को, कोर्ट को। तो कोर्ट ने सारी बातें सुना, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि खरे साहब बहुत ज्यादा बहस नहीं किए हैं, लास्ट में दो ही शब्द कहे कि माय लॉर्ड, जब 2015 का वैकेंसी पेंडिंग में था, उस समय फाइनल होने के पहले दोनों विज्ञापन आ चुका था। तुरंत जज साहब ने कहा तो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता, ये मामला ही सीरियस। बहुत गंभीरता से लिए जज साहब, हम आपको बता भी चुके हैं कि वो जज नहीं, हम लोगों के लिए भगवान है। दूसरा कोई जज होता तो कुछ भी हो सकता था, मित्रों पक्ष में भी आ सकता था, विपक्ष में भी जा सकता था, लेकिन यहाँ विपक्ष में जाने का तो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। हम लोगों के पक्ष में निर्णय आएगा, और आप लोग जैसे अभी तक संयम बना के रहे, देखिए हम आपसे कह भी चुके हैं कि हमारे संघर्ष में कमी कभी नहीं होने पाएगा। रातों दिन आपके लिए, खुद अपने लिए, घर से दूर हूं, कभी समय से खाना नहीं खाता हूं, जिससे आपको कठिनाई ना हो, कोई समस्या ना हो, आप वर्दी पाओ, इसके लिए हर संभव कोशिश किया जा रहा है, जितना हो सकता है कोशिश किया जा रहा है। दोबारा पैसा देना पड़ा अनुज त्रिवेदी को, दिया गया, तिबारा भी देना पड़ेगा तो भी देंगे, खरे साहब को और देना पड़ा तो और देंगे, सीमान सिंह को और देना पड़ा तो और देंगे, लेकिन मेरे भाइयों को कुछ ना होना पाए, ये कोशिश हमारा हमेशा रहता है। अब भगवान नहीं है मित्रों, हम भी आप जैसे एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलता है जो संघर्ष करते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे रहते हैं, उनको सफलता जरूर मिलता है। और हमें आपको तो माता रानी का कृपा है, हनुमान स्वामी पे आशीर्वाद है हम लोगों का, हम लोगों के ऊपर हनुमान स्वामी का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, तो फिर क्या दिक्कत आएगा, कुछ नहीं होगा, जीत मिलेगा, वर्दी मिलेगा, आने वाला 20 जनवरी 2020 इतिहास लिखा जाएगा, 26/813/2018 का परिणाम आएगा, और सिर्फ पेटिशनरों के पक्ष में आएगा। आप लोग संयम से काम लीजिए, कुछ नहीं होने पाएगा, क्योंकि डेट आने के पहले से हम लोगों का तैयारी चालू हो जाता है। भर्ती बोर्ड क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, पहले से जानकारी ले लिया जाता है, भले आपसे नहीं बताया जाता है ये अलग बात है, क्योंकि आइडियो और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है, 20-20 हजार लोग देखते हैं, इसलिए नहीं बताया जाता है। बाकी आप शांत रहिए, जस अपजस परिणाम ये ईश्वर के बस में है, ये हमारे आपके बस में नहीं है, लेकिन परिणाम उन्हीं को मिलता है। ये गीता में उपदेश है, जो कर्म करते हैं, कोशिश करना हमारा काम है, परिणाम हमारे बस में नहीं है, और जो कोशिश करता है उनको ईश्वर सहायता करते हैं, और उनको परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि हम आप लीगल हैं, जो हमारा हक है वो भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार के गलत मानसिकता के वजह से आज हम आप न्यायालय में दर दर भटक रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा हक है वो मिले। भर्ती बोर्ड हमेशा चाहता है केस डिसमिस हो जाए, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा, ये तो वो चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं जीतना, ये तो वो संघर्ष करेंगे तो उनसे काफी संघर्ष करूंगा, जितना दम है वो लगा लें, वर्दी उनसे छीन के लिया जाएगा। तो यही बातों में आप लोग परेशान ना रहिए, और आर्डर में यही लिखा गया है कि
जो 300 सीटें के बारे में लिखा गया है, जज साहब जैसे 1366 में देखे कि 1063 का सिलेक्शन होगा, 300 इसमें खाली है, तो जज साहब ने बोला कि ये तो मामला सीरियस है, जब तो 300 इसमें खाली है। और तो हमारे अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि 5694 सीटें खाली हैं, 33373 का रिजल्ट पहले घोषित हो चुका है, महिला उसमें तो काफी सीटें खाली हैं, सिर्फ इसमें 1366 में 300 सीटें खाली रह गया है। तो जैसा हमने बोला मामला सीरियस है, तुरंत डीआईजी साहब, आईजी स्थापना हेडक्वार्टर को तलब कर लिया, आप खुद आओ और सीटों पर डिटेल लेके आओ। हाँ, बाद में खरे साहब ने कहा कि हमारे भी 2018 के भी जो कुछ कैंडिडेटों का रीट पड़ा है, 2015 के कैंडिडेटों में कनेक्ट हो गया है, वैसे ही जज साहब ने रीट नंबर मांग लिया और दो रीट खरे साहब के द्वारा इसमें कनेक्ट कराया गया है, एक सिद्दीकी जी के द्वारा, अधिवक्ता जूनियर अधिवक्ता सिद्दीकी जी के द्वारा, और एक सीमान सिंह जी के द्वारा। ये चारों रीट 2018 का ये 15 में कनेक्ट करा दिया गया हमारे में, ये रंग लिस्टेड कनेक्ट था, लेकिन इनको भी उतने लाभ मिलेगा, ये कंफर्म हो गया है क्योंकि आर्डर में लिखा लिया गया। हाँ, इसके बाद 2018 भर्ती का कोई भी रीट जो गलती से कनेक्ट होता है उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड लिखवा दिया गया है। अब बाद में कोई नहीं कह सकता है कि मेरा भी कनेक्ट है, तो ये चारों रीट को लाभ मिलेगा, इसमें दो राय नहीं, इनका भी डिटेल आएगा, ठीक है। तो सभी भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कार्य चल रहा है, और बाकी और आगे आप लोगों को जैसे कोई न्यूज आता है या कोई बात होता है आप लोगों को अपडेट कराया जाएगा। आप लोग ग्रुप में शांति बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत।